गाइस आज का हमारा वीडियो, हम लोग यूजुअली मॉरल स्टोरीज बनाते हैं, चैलेंजेस बनाते हैं, बट आज का हमारा वीडियो थोड़ा डिफरेंट है इससे, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीक हमारा वीडियो भी नहीं आया था क्योंकि हमारे घर में पूरी फैमिली को COVID-19 हो गया। अब कैसे हुआ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो का मेन मोटिव यह है अवेयर करने को, क्योंकि आजकल केसेस बहुत बढ़ गए पूरे इंडिया में। वही इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद कैसे आ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। तो ऐसा हुआ कि अभी मुंबई में लॉकडाउन चल रहा था और मुंबई में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम तीनों तो घर में रहते थे, लेकिन इसके पापा का ऑफिस खुला था, वो काम से जाते थे ऑफिस। और एक दिन सैटरडे का दिन था, सुबह में वो सो के उठे तो उनको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया। तो मैं बोली नहीं डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि इस समय कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर वो गए अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने बोला ऐसे ही कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेस की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से ऐसे ही थकावट लग रही है। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, वो घर पर लेके आए और दवाइयाँ खाए, दो दिन उनको आराम रहा, बिल्कुल आराम रहा। तो फिर से वो सैटरडे संडे के बाद मंडे फिर से ऑफिस गए, क्योंकि आराम हो गया उनको। मंडे ट्यूजडे एकदम ठीक थे पापा, हम सब ठीक थे, मतलब हमें लगा कि कुछ नहीं था, वो शायद वही सच ही था। लेकिन फिर वेडनेसडे नवरात्रि का पहला दिन था, तो मैं सुबह उठी तो मुझे भी बहुत थकावट सी लग रही थी ऐसा। तो दोपहर तक मैंने देखा, हो सकता है मेरा आज फास्ट है, उसकी वजह से मुझे वीकनेस लग रही है। तो फिर बढ़ता ही जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में जान ही नहीं है एकदम, मैं थकी थकी। तो फिर मैं भी डर गई और मैं भी अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तो दवाइयाँ वगैरह दी, तो मैं भी लेके आई और दवा लेके आई, मैं दवा खा के मैं सो गई। जब सोने के बाद मुझे बहुत तेज का बुखार आ गया, फीवर था। तो मैं डर गई फिर कि मुझे शंका हो गया कि पता नहीं कुछ तो हो सकता है। तो मैंने बच्चों को अलग कर दिया कि अभी तुम लोग मेरे कमरे में मत आओ और एक कमरे में दोनों जन हो जाओ। और शाम को जब इसके पापा आए तो उनकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, फीवर सा लग रहा था। तो उनको भी मैंने बुखार चेक किया तो उनको भी बुखार आ गया शाम को। तो हम दोनों डर गए, फिर अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट करवा लो दोनों जन। तो नेक्स्ट डे हम दोनों ने अपना रिपोर्ट करवाया तो हम दोनों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। हम दोनों अलग हो गए और इनको बिल्कुल अलग कर दिया हमने। और फिर दिक्कत होने लगी खाना पीना की, फिर बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए। और उस टाइम हमारी चाची थी, तो चाची एकदम पास रहती थी, तो वही खाना बना के हमारे दरवाजे के पास रख के चली जाती थी, तो हम लोग को खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने मैनेज कर लिया सर। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह सब लेना शुरू कर दिया। और मतलब हम लोग अलग हो गए, उनको जो भी मम्मी डैड मम्मी पापा को चाहिए था तो हम वही दे देते थे उनके दरवाजे के पास। मास्क घर पे बनाते थे एंड मास्क अब घर पे पहनना पड़ा तो काफी सफोकेटिंग था ऐसे घर पे भी मास्क पहनना। फिर डॉक्टर से जो दवाइयाँ उन्होंने बोले वो हम लेने लगे दोनों, और स्टीम वगैरह जो भी उन्होंने बताया वो मैं आपको अपने कुंभ खासा पे बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया, कैसे हम लोग रिकवर हुए। तो फिर लेने लगे, दो दिन हम लोग को आराम था, फिर मुझे बुखार आना बंद हो गया, लेकिन वीकनेस बहुत लग रही थी। और इसके पापा को बुखार दो दिन, उनको भी ठीक था, आराम था। तीसरे दिन उनको रात को जब वो सोए तो 2-2:30 बजे उनको इतना जोर का बुखार आया, फ्राइडे था मुझे, और मैंने उनको बुखार की दवा भी दी फिर भी उनका बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा था। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को रात को फ़ोन किया तो फिर उन्होंने एक मेडिसिन बताई, तो वो ला के दिए तो उनका बुखार गया रात, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। फिर वो 4 बजे सो पाए, फिर सुबह उठे तो उनको क्या हुआ कि एकदम शांत हो गए, कुछ भी बात करो तो नहीं। नॉर्मली पापा कैसे इंसान है, बहुत एनर्जेटिक है, काफी बात करते रहते हैं, लाइक ऐसे एकदम लाइवली इंसान है, बट उस दिन ना काफी शांत थे, कंफ्यूज थे एंड ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तो मैं डर गई, फिर अपने फैमिली डॉक्टर को हमने अपॉइंटमेंट लिया, उनसे फिर हम उनको दिखाए तो उन्होंने बोला कि आप सीटी स्कैन करवा लो। ऑक्सीमीटर से पापा का फिर ऑक्सीमीटर भी चेक किया हमने, उनका ऑक्सीजन लेवल फिर ड्रॉप होने लगा तो हम बिल्कुल डर गए। मैं सीटी स्कैन करवा के तुरंत रिपोर्ट आ गई, मैं वहीं के डॉक्टर से बात करवा दी, तो उनको लंग्स में बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया था और डॉक्टर ने बोला अभी का अभी इनको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अब मुंबई में कहीं भी आपको बेड नहीं मिल रहे, ना सरकारी में ना प्राइवेट में, कहीं भी कोई बेड नहीं खाली। अब क्या करूं, मैं इतना फ़ोन किया, बहुत कोशिश की तो मुझे एक मिला हॉस्पिटल, उसमें एक बेड मिला, वो भी मेरे घर से जहां मैं रहती हूं वहां से काफ़ी दूर है। फिर मैं उनको लेके
ड्राइव करके फिर मैं लेके गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनका एडमिट करवाया उनको। मुझे 3 बज गया रात को और बच्चों को मैं अकेले घर में छोड़ के गई। तो एडमिट करके मैं फिर कैसे रोते रोते घर में पहुँची और आके यहाँ पे बहुत परेशान हुई। बच्चे भी अकेले बहुत ज्यादा, हम लोग सो ही नहीं पाए थे रात को, 4-5 बजे हम लोग सोने गए। फिर उनको एडमिट किया तो 2-3-4 दिन मैंने उसी हॉस्पिटल में रखा उनको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और रेमडेसिविर इंजेक्शन का वो भी कहीं नहीं मिल रहा। मम्मा बहुत स्ट्रेस थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितना दिन कॉल्स इतने सारे, फिर बहुत मुश्किल से हमें 6-6 मिले। हॉस्पिटल में भी देखने वाला कोई नहीं था और इधर घर में मैं भी बीमार। तो फिर एक इनके चाचा हैं, सगे भाई मेरे हस्बैंड के, फिर वो आ गए। तो वो बेचारे फिर पूरा बहुत हेल्प किया, वो देखने लगे। और फिर मैं अपना इधर मैं आराम, तब मुझे जाके थोड़ा सा आराम मिला कि मैं हॉस्पिटल से फिर निश्चिंत हो गई। फिर भी पापा का थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा था, थोड़ा सा हुआ 2 दिन। 2 दिन के बाद उनको मतलब फिर से तबीयत उनकी खराब होने लगी। तो नॉर्मल वार्ड से फिर वो ICU में चले गए। अब और ज्यादा प्रेशर मुझे, अब पापा एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, बाजू में इतने सारे लाइक लोग मर जा रहे, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन ज्यादा, जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। फिर वो जिद करने लगे मुझे घर जाना, यहाँ नहीं रहना मुझे हॉस्पिटल। फिर मैं घर में ले आके पूरी व्यवस्था किया मैंने, होम ICU हमने, ICU बेड घर में लगवाया उनको, घर में 1 रात के लिए। वो इतना जिद कर रहे थे कि मैं खाऊंगा नहीं, ऑक्सीजन निकाल दे रहे, पता नहीं वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे क्या था, सब निकाल दे रहे थे। तो उनको घर पे लेके आई मैं और 1 रात रखा उनको। फिर नेक्स्ट डे मैंने दूसरी हॉस्पिटल, बहुत मुश्किल से दूसरी हॉस्पिटल मुझे मिल गई ICU बेड। थैंक गॉड, भगवान का आप सबका आशीर्वाद रहा कि वो हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने बोला 95% इनका लंग्स डैमेज हो चुका है, 5% बचा हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आपको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, गारंटी नहीं है। लेकिन उन्होंने लिया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। माता जी की दया से वो एक ही रात में पूरा इतना रिकवर कर गए कि डॉक्टर भी आश्चर्य हो गया कि कैसे इंसान, मतलब वो तो बोला कि मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक ही रात में उनका सारा इन्फेक्शन चला गया। और दूसरे दिन उनको काफी रिलैक्स फील हुआ, काफी बेटर हो गए। और उसी दिन दोस्तों मम्मा पापा की एनिवर्सरी थी, 29 था, और उस दिन पापा बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत क्योंकि उनको थोड़ा सा होश आ गया और वो अच्छे हो गए थे। तो फिर उस दिन वो बहुत ज्यादा सबको मिस कर रहे थे कि मुझे घर जाना है। उनके नोट लिखे थे, भेजे थे, थोड़ा सा केक भी भेजे थे। और 2 ही दिन उस हॉस्पिटल में रहे जो कि डॉक्टर बोलते थे कि 95% इनका लंग्स डैमेज हो गया, लेकिन 2 दिन में वो इतना अच्छा रिकवर हो गए। और 3rd ही दिन उनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और अभी हम घर पे लेके आ गए हैं, बहुत अच्छे हैं अभी। मुझे ऊपर वाले ने पता नहीं कैसे इतनी ताकत दे दी कि मुझे 3 दिन में ही मेरा और उनका साथ में पॉजिटिव आया था, लेकिन मैं 3 दिन में रिकवर हो गई। मुझे फिर कोई भी सिम्टम्स नहीं, बुखार नहीं, कुछ नहीं, मुझे वीकनेस भी नहीं, मैं 3 दिन में ही एकदम अच्छी हो गई। लेकिन मैं अपने डॉक्टर की दवाइयाँ ले रही थी सब, जो मुझे डॉक्टर दे रहे थे, और मैं सारा प्रिकॉशन भी ले रही थी, स्टीम ले रही थी, काढ़ा पी रही थी, जो भी है मैं घर में सब कर रही थी। और 2 दिन के बाद जैसे मैं उनको एडमिट किया फर्स्ट वाली हॉस्पिटल में, 2 दिन के बाद मैंने बच्चों का भी कराया तो इनका निगेटिव आया। पर्टिक उसे वेडनेस डे सब मतलब नॉर्मल चीज़ था कि मम्मा बैठी थी, हम लोग खाना चाची दे रही थी। लेकिन थर्सडे को जिस दिन वीडियो अपलोड करना था, मैं जैसे ही सुबह उठी मुझे अजीब सा लगने लगा। मुझे लगा कि ऐसा होता रहता है, मौसम बदल रहा है और ऐसे इसी भी इतना चल था, तो मुझे लगा थोड़ा सर्दी हो गई होगी। मैंने बोला चलो कोई नहीं जाते हैं। मैंने वीडियो भी अपलोड किया टाइप्स ऑफ नेबर्स उस दिन, हमारे पास ऑलरेडी बैंक में था वीडियोस। अनु को मैं देखी नहीं क्योंकि अनु ऐसा सोती नहीं है दिन में, कुछ भी हो जाए इसको कितना भी बोलो ये सोने नहीं जाती है दिन में, ना तो लेटती है, या तो कंप्यूटर पे रहेगी या बॉल खेलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है इधर उधर। तो मैंने काफी टाइम से इसको देखा नहीं, तो मैं रूम से मैं बोली अनु कहाँ है आयु, मैंने बोला ये सो रही है, आयु पढ़ रही है और ये आके बेड पे लेट के सो गई। तो बोली कि मम्मी अनु सो रही है, मैं बोली हाँ अनु तो सोती नहीं कभी, चेक करो क्या है। फिर आयु थर्मोमीटर लेकर आती है, मैं आयु को भी बोलती हूँ कि शायद से मुझे लगता है बुखार हो गया है। तो आयु आती है, आयु पहले पापा को मना करती कि कुछ नहीं हुआ, तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है शायद से आराम कर ली होगी। फिर मैंने आयु को बोला कि नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब है। अब पता नहीं कैसे मम्मा को पता चल गया कि उनकी बेटी को कुछ है, जबकि उनको कुछ बताया भी नहीं मैंने। तो मम्मा डॉक्टर ट्रेन टेलीपैथी हो गई, क्योंकि
ये कभी शांत बैठती नहीं है, ये कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है, बॉल पटकती रहती है, डांट खेलती रहती है, हमेशा बॉल पटकती रहती है या फिर क्यूब करती रहती है, कुछ न कुछ ये इधर उधर करती है और शांत नहीं होती, तो मुझे फिर डर लग गया कि क्या। और फिर आयु ने जब मेरा टेम्परेचर चेक किया थर्मोमीटर, तो 39.1 हो गया था सीधा। और जो बहुत तेज बुखार आया था मुझे, तो मैं भी शॉक हो गई, कह रहा मुझे तो बुखार है। और फिर मुझे थोड़ा सिम्टम्स भी था, जैसे कि मुझे वीकनेस हो रही थी, वीकनेस इतनी ज्यादा आती है कि ऐसा लगता है कि अब शरीर में जान ही नहीं है। और मम्मा फिर बेडरूम से पहली बार निकली और मैंने उनको अच्छे से देखा, मम्मा बेडरूम पे आके वह चेक की। और फिर मम्मा ने मुझे दवाई दी डॉक्टर से पूछ के, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, और फिर मेरी एकदम अच्छी तबीयत हो गई, मैं कूदने लगी। नहीं तो मैं समझ गई कि फिर अभी इनको भी आ ही गया है। हाँ। जब इसकी मैं जो डॉक्टर ने दवा दी थी पहले, हाँ। तो इनको बुखार की दवा मैंने दिया कि बुखार इनका जाए, फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया मैंने और फिर इनको भी दिखाया, तो इसका भी टेस्ट कराया, और मैंने तुरंत फिर रिपोर्ट वाले को भी बुलाया और इनका भी रिपोर्ट कराया, टेस्ट किया, तो रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव आया इसका। सो लाइक तीनों को हो गया था, तीनों और फिर ऐसे मैं बाकी चीज को पूरा नहीं हुआ था, उसको भी आना ही था क्योंकि दोनों एक साथ ही सोती थी, तो मम्मा को लग ही रहा था कि इसको भी हो नहीं वाला है, तो मैं पहले से ही उसको भी सारे चीजें चालू कर दी मैंने, स्टे फिर भी मैं क्वारंटाइन और सब कुछ मैंने कर दिया, बट एक दिन मैंने इनको अलग से रूम में सुलाया। रात को मैं अकेले सोई थी, तो मैं रात को सो तो गई, लेकिन मम्मा हर दो दो घंटे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि चार चार घंटे बुखार आता है, तो मम्मा हर दो दो घंटे आके रात को मेजर कर रही थी। तीसरे दिन फिर इसका भी रात को, मेरे को भी चार बजे, रात को चार बजे मुझे भी फिर फीवर आ गया, तो अब तो समझ गए कि मुझे भी हो गया, फिर भी हमने टेस्ट करा लिया एंड मेरा भी पॉजिटिव आ गया। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा तो बोले फिर आपको मतलब अलग रहने की जरूरत नहीं है, जब तीनों को कोविड हुआ है तो आप एक साथ रह सकते हो, तो फिर हम लोगों ने फिर एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी, एक दूसरे की देखभाल करने, और अनु ने तीन दिन में ही इसका भी बुखार चला गया, मैं एकदम फिट हो गई, बार बार सब चीजें करने लगी, गर्म पानी, काढ़ा, स्टीम, बाकी सारी चीजें इसको खाने के लिए अच्छे से, और सबके स्मेल ही चली गई ना, टेस्ट, हाँ, ना कोविड का एक्सपीरियंस बताती हूँ, अच्छा खाने में बिल्कुल स्मेल टेस्ट कम्प्लीटली चला गया है, एंड नो कुछ भी खाओगे तो कहते हैं हाँ कुछ तो खा रही हूँ, पता नहीं क्या खा रही हूँ। तो हम सब लोग साथ में टेस्ट कराएंगे, जब आयुष को कभी 14 डेज हो जाएगा तो हम लोग वापस टेस्ट कराएंगे देखने के लिए कि हमारा निकला कि नहीं। मुझे भी जहाँ तक खांसी एंड फीवर, तो मेरा भी सिटी स्कैन कराने को बोला, बट मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरा नॉर्मल ही आया। मैंने आयु का भी एक बार सिटी स्कैन करवाया क्योंकि हम दोनों को खांसी नहीं थी, लेकिन आयु को हल्की सी खांसी भी आ रही थी, ऐसे कभी कभार शुरुआत चुकी नहीं होती थी खांसी, वही खांसी देख के मैं और ज्यादा डर गई, क्योंकि इसके पापा की कंडीशन देख के कुछ भी बच्चों को थोड़ा होता था मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। 12 दिन इसके पापा हॉस्पिटल में रहे और 8 दिन वो आईसीयू में रहे। लिटरली गाइस वो कंडीशन में पापा को देख के बहुत हमें बुरा लगा, बहुत ज्यादा ऐसा, जैसे ऐसा मुझे तो लगता था कि ये घर में बिल्कुल सेफ नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे तब कोविड नहीं था, तो घर के बाहर कोई भी जगह सेफ है, बट घर सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा मुझे इस बार ये लगा कि उनकी एनिवर्सरी थी, उस टाइम मम्मा पापा साथ में नहीं मिल पाए, लेकिन अब पापा अभी रिकवर कर रहे हैं, मैं और मम्मा तो ऑलमोस्ट फुल रिकवर हो गए, अभी आयुषो का थोड़ा वीकनेस है, आयु भी रिकवर हो गई है, बट आयु को थोड़ी सी वीकनेस, हाँ, क्योंकि आयु खाने में बहुत ज्यादा करती है, हाँ। हम एक दूसरे का सपोर्ट करते थे और फैमिली में थे तो इतना ज्यादा नहीं महसूस होता था, लेकिन पापा बहुत सफर किया ना, उसकी तो फिर बैंड बज जाती, इतना ज्यादा बुरा, और वो देख के वहाँ का माहौल आदमी और डर जाता है। तो ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी, ये हमारी एक महीने का समय इतना मुश्किल भरा था कि कैसे बताऊँ, लेकिन अभी आप सबके आशीर्वाद से हम सब रिकवर हो गए हैं और अभी धीरे धीरे हम एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे और आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए और हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, और मैं कुक भी थासा पे जल्दी से वीडियो लाने वाली हूँ कि हम कैसे बच्चों को क्या क्या खिलाए, कैसे इनको मतलब बच्चों को और कैसे मैं कैसे घर में हम तीनों रिकवर हुए, तो बहुत जल्दी आपको कुक भी थासा पे देखने को मिलेगा। और ये वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर करना और अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी सपोर्ट करते रहिए और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, जिसकी हम सब जल्दी जल्दी एकदम रिकवर हो जाए और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के
साथ। तब तक के लिए बाय।